कई बार तांत्रिक साधनाओं के बारे में सुना होगा, जैसे त्रिजटा साधना, बैताल साधना, पताल भैरवी साधना, कच्चा कलुआ मसान साधना। आज की इस वीडियो में हम काली कपाली साधना के बारे में जानेंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कहते हैं इस साधना को सिर्फ पत्थर दिल इंसान ही कर सकता है। बड़े बड़े शेर दिल साधक शमशान छोड़कर भाग जाते हैं। ये साधना शमशान में रात्रि 12 बजे दिन मंगलवार को शुरू की जाती है। ये साधना 21 दिनों की होती है। साधक रात्रि 12 बजे शमशान में जाता है। साधक अपने साथ एक तलवार, मदिरा, कच्चा मांस, मोगरा, चमेली, गुलाब के फूल अपने साथ लेकर जाता है। साधक के गुरु त्रिशूल से एक घेरा बनाते हैं, जिसमें साधक बैठकर अपने सामने तलवार रखकर उसकी पूजा करता है। तलवार पर लाल चंदन, पुष्प, मदिरा, मांस चढ़ाई जाती है और यहीं से शुरू हो जाता है काली कपाली साधना का पहला दिन। पहले दिन साधक पर दो प्रेत आत्माएं हमला करती है, उसे साधना करने से रोकती है। साधक को बिना डरे साधना करनी चाहिए। दोनों प्रेत आत्माएं 21 दिनों तक साधक के आसपास ही रहती है। साधक को शांत रहना चाहिए, उसे लंगोट का पक्का होना चाहिए। दूसरे दिन साधक के सामने शमशान की स्त्री आत्माएं आती है, जो साधक को भटकाती है, उसे गलत रास्ता दिखाती है, पर साधक को भटकना नहीं चाहिए। तीसरे दिन साधक के ऊपर विषैले सांप हमला करते हैं। साधक को घबराना नहीं चाहिए, ये सब एक भ्रम होता है। चौथे दिन अनेक प्रेत आत्माएं साधक को परेशान करती है। पांचवें दिन साधक के सामने की जमीन फटने लगती है, क्योंकि कपालिनी जमीन फाड़ कर बाहर निकलती है। सातवें दिन शमशान में प्रेतों का हंगामा शुरू हो जाता है। इसी दिन कपालिनी जमीन फाड़ कर साधक को देखती है। 20 दिनों तक इसी प्रकार की घटनाएं शमशान में घटती रहती है। 21वें दिन कपालिनी भयानक रूप में साधक के सामने प्रकट होती है और साधक को डराती है। अगर साधक नहीं डरता तो हाथ में त्रिशूल लिए हुए सुंदर रूप में साधक को दर्शन देती है। साधक को वचन देकर सिद्ध हो जाती है और साधक के सभी कार्य को पूर्ण करती है। साधक को किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। इसे आप मनोरंजन के तौर पर देखें। चैनल तंत्र मंत्र भूत प्रेत होने का दावा नहीं करती।